सुनो, कव्वे को खाना मकरूह क्यों करार दिया गया है? इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया और उसने यही सवाल किया कि कव्वे को खाना क्यों मकरूह करार दिया गया, यानी कि इस गोश्त को क्यों मकरूह करार दिया गया है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जहाँ पर इसको मकरूह करार दिया गया है वहाँ पर इसकी कुछ अच्छी अलामत भी हैं। पहली अलामत यह है कि अगर आपके घर पर बैठकर ये बोलता है तो आप समझ जाएं कि आपके घर पर किसी मेहमान का आना होगा। दूसरी अलामत यह है कि सुबह के टाइम अगर आप कौवे के मुंह में मीठी रोटी या सूखी रोटी देखते हैं जो वो उड़ते हुए लेके जा रहा हो तो ये आपके लिए बाइस खुशी की अलामत है, उस वो दिन जो आपका है वो अच्छा गुजरेगा। तीसरी अलामत ये है कि अगर आपके घर के ऊपर बैठकर ये चुनियाँ करता है तो उस दिन आपके घर में कोई खुशी आने वाली होती है, इसकी ये अलामत। यहाँ पर उस शख्स ने जब इमाम से पूछा कि इसका गोश्त खाना क्यों मकरूह है तो इमाम ने कहा कि इसका गोश्त खाना इसलिए मकरूह है क्योंकि ये एक फासिक परिंदा है।